नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जोधपुर पहुंचे हैं, यह बड़ी जानकारी है। और हवाई अड्डे पर स्वागत के दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई है, तो बड़ी जानकारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं, स्वागत के दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई है, बड़ी खबर है। लोगों को सीआईएसएफ के जवानों ने धक्के मार करके फिर दूर किया है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो कि जोधपुर के दौरे पर पहुंचे, लेकिन हवाई अड्डे पर उनसे मिलने वालों की भीड़ लगी हुई थी और स्वागत करने वाले लोग आपस में धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद सीएसएफ के जो जवान हैं उन्होंने इन लोगों को वहां से हटाया है। हवाई अड्डे पर स्वागत के दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई है, बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हवाई अड्डे पर स्वागत के दौरान धक्का मुक्की की जानकारी है। सीआईएसएफ के जवानों ने धक्का मुक्की कर रहे लोगों को हटाया है, लोगों को यहां से किसी तरह से हटा करके फिर ओम बिरला को यहां से ले जाया गया है, बड़ी और अहम खबर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो कि जोधपुर के दौरे पर पहुंचे, हवाई अड्डे पर पहले से ही काफी संख्या में लोग मौजूद थे जो कि उनका स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब ये स्वागत करने पहुंचे हुए लोगों के बीच में धक्का मुक्की होनी शुरू हो गई और उसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने इन लोगों को वहां से हटाया है। ललित परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। ललित, क्या जानकारी है? ओम बिरला पहुंचे थे जोधपुर, लेकिन धक्का मुक्की की खबर है। जी, हवाई अड्डे पर जब ओम बिरला बाहर आए तो जोरदार धक्का मुक्की हो गई। हालांकि बहुत ज्यादा लोग नहीं थे स्वागत में आए हुए, लेकिन व्यवस्था खराब थी, सही व्यवस्था नहीं होने के कारण वहां पर धक्का मुक्की हुई। सीआईएसएफ के जवानों ने जो स्वागत के लिए लोग आए थे और पत्रकार भी खड़े थे, सबको धक्के देखते कर वहां से हटाया। स्थानीय पुलिस ने बाद में सहयोग करके थोड़ा व्यवस्था बनाई और प्रयास किया। हालांकि जब तक वो कार में सवार होकर सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए तब तक लगातार धक्का मुक्की चलती रही। भीड़ में बहुत ज्यादा लोग नहीं होने के बावजूद भी व्यवस्था पहले से जो नहीं की थी हवाई अड्डे की तरफ से और स्थानीय पुलिस की तरफ से, इस कारण से ये धक्का मुक्की व्यवस्था देखने को मिली। अब ओम बिरला सर्किट हाउस में है, अपने कक्ष में है, वो कुछ जो उनके मिलने वाले लोग हैं वो जरूर गए हैं अंदर और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो जैन समाज के कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। वहां से फिर लोकसभा अध्यक्ष हैं जो एक मन कामेश्वर महादेव मंदिर है वहां जाएंगे, वहां दर्शन करने के बाद सर्किट हाउस लौटेंगे, सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेंगे और बाद में 8 बजे वो रेल से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ललित इस बातचीत और जानकारी के लिए। स्वागत के दौरान धक्का मुक्की हुई, लेकिन बाद में ओम बिरला को यहां से ले जाया गया है। अब सर्किट हाउस ओम बिरला पहुंच चुके हैं, जहां पर पहले से ही तय कई कार्यक्रमों में अब वो शिरकत करेंगे, लेकिन अव्यवस्था के चलते धक्का मुक्की हुई है, जैसा कि सहयोगी ललित बता रहे थे। हालांकि ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से ये जो धक्का मुक्की है वहां पर होनी शुरू हुई और उसके बाद सिक्योरिटी में जो सीआईएसएफ के जवान थे उन्होंने लोगों को वहां से हटाया है और उसके बाद ओम बिरला अपनी गाड़ी में बैठकर सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए और अभी फिलहाल सर्किट हाउस में मौजूद हैं ओम बिरला। आगे के कई कार्यक्रमों में शिरकत अब ओम बिरला के द्वारा की जाएगी, तो बड़ी खबर है। जोधपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लेकिन धक्का मुक्की की कुछ खबरें अभी सामने आई थी जिसमें ओम बिरला की सिक्योरिटी में लगे सीआईएसएफ के जवानों ने फिर स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए लोग जो कि धक्का मुक्की कर रहे थे उनको वहां से हटाया है। और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जब पहुंचे थे जोधपुर के इस हवाई अड्डे पर, उस दौरान आप देखिए किस तरह से वहां पर जो लोग मौजूद थे वो मिलने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। हालांकि उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सीआईएसएफ के जवान सिक्योरिटी में जो लगे हुए थे वो सुरक्षित वहां से निकाल करके ले गए हैं, लेकिन जो लोग धक्का मुक्की कर रहे थे उनको वहां से हटाया भी गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।